गाजियाबाद का नाम बदलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। किस वजह से? क्या इस वजह से कि गाजियाबाद का नाम बहुत पुराना है, सौ सालों से गाजियाबाद का नाम चला आ रहा है। बदलने से किस प्रकार की दिक्कतें आप लोगों को? बदलने से बहुत दिक्कतें आएंगी, सारी स्टेशनरी चेंज होगी, सारे डिपार्टमेंट चेंज होंगे, सब चीजें चेंज होंगी। देखिए जो भी हमारी प्रदेश सरकार निर्णय ले रही है, मैं हम सब उस फैसले से सहमत हैं और जो भी निर्णय लेंगी वो अच्छा ही निर्णय लेंगी, क्योंकि पुराने नामों से अपनी शहर का पहचान आ जाती थी, तो हम मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। देखिए मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि इलाहाबाद का नाम चेंज किया गया है या फैजाबाद का नाम, जो ये जो नाम पहले के थे वो वही नाम रखे गए हैं। इलाहाबाद प्रयागराज के नाम से ही जाना जाता था, तो ये नाम प्रयागराज था, और अगर ऐसा ना होता तो पिछले 50 सालों से या 40 सालों से प्रयागराज एक्सप्रेस क्यों चल रही है? ठीक है, तो जो इसका असली नाम है उस नाम को रजिस्टर्ड कराया जा रहा है। ऐसी फैजाबाद अयोध्या तो थी, फैजाबाद था कब? आप प्राणों में देख लीजिए। संगीत सोम हमारे एक वरिष्ठ नेता हैं और एक जिम्मेदार नेता हैं, अगर उन्होंने कोई मांग करी है तो मुझे लगता है कि सरकार उस पर पूरी तरह से विचार करेगी। अब प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ ऐसे सूत्रों से जानकारी मिली है कि 13 जिलों के नाम बदले जाने हैं, जिसमें गाजियाबाद का भी नाम है। गाजियाबाद क्योंकि गयाजुद्दीन ने बसाया था, क्या उसको भी अब बदला जाएगा? देखिए अभी तक मेरी इस प्रकार की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, और मुझे लगता है कि सरकार जो भी निर्णय लेगी वो सोच समझ कर दृढ़ता के साथ लेगी। ऐसा है कि सरकार का तो ये जो नाम बदलने का है, कभी आज तक कभी किसी भी शासन में ऐसा नहीं हुआ कि नाम बदले जाए, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि नाम बदल के जो है, लेकिन ये गलत है। और ये जो है हमारे पुरखों ने इसको बसाया था, यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ आज से कई बरस पहले, आज हम लोग उनकी सातवीं, कई सौ पीढ़ी हो गए, हम लोग उनकी आठवीं पीढ़ी हैं नवाब गयाउद्दीन की, जिनके नाम से शहर है, जिन्हीं ने पूरा इस शहर को दान दिया है, रामलीला ग्राउंड भी सारा सब उन्हीं ने दिया है, पूरे शहर के जितने भी मंदिर हैं सब बनवाए, मगर ये नाम बदलना गलत है। इससे मतलब हम लोगों के ऊपर बड़ी ठेस और बहुत तकलीफ पहुंच रही कि हमारे पुरखों ने सब कुछ किया और ये थोड़ा सा करके ये लोग ऐसा कर रहे हैं, उससे बहुत दुख हो रहा है। आपको सूचना मिली कि शायद सूचना मिली कि इस शहर का भी नाम बदलना है, तो मैंने अपने वकील से बात करी इलाहाबाद की, इसको फौरन शासन में केस करके और इसको मतलब बताएं कि ऐसा कर मतलब नहीं कर सकते, क्योंकि गलत है, क्योंकि जो हमारे पुरखों ने बसाया है उसमें मतलब उनका योगदान पूरा शहर में रहा है, तो उसको इस किस्म से न मिटाएं। गाजियाबाद बहुत कम सीमा में बंधा था, सिर्फ चार गेट थे, दिल्ली गेट था, डासना गेट था, सोहराब गेट था, जिससे कि उनके घोड़े आते थे, और यहीं पे बना हुआ था, फिर इसको दोबारा से हम लोगों ने बनाया है घर, और मतलब ये एक वो बना रखा था, मतलब यहाँ रुकते थे शिकार घर, कोठियाँ उनकी दिल्ली में भी थी, सब सारा था, तो पूरा इलाका था ये उन्हीं ने जो बसाया था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, श्री वो आते थे, उनके चार गेट बने हुए थे, दिल्ली गेट, डासना गेट, सोहराब गेट, जवाहर गेट, ये चार गेट थे, कौन सा सियानी गेट, सियानी गेट भी, पांच छह गेट थे। हमने सुना है कि जो डासना गेट है वहाँ पर एक सराय भी हुआ करती थी। जी वो पूरा एक रास्ता वो था जहाँ उनके सब वो उनके वो भी थे, वो सारे उनके वर्कर साले रहते थे, और तो कोई भी आबादी, जी और कोई आबादी नहीं थी उस वक्त, उन्हीं के सारे अपने लोग। जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में मतलब सरकार के खिलाफ नाम बदलने के खिलाफ, जी मैं जा रही हूँ उसके खिलाफ, मैं हाई कोर्ट में केस करने जा रही हूँ, कि मगर फिर मैंने सुना कि अच्छा वो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैं वो हो गई, मगर अब मैं जाऊंगी। अगर नाम बदला जाता है तो आप? अगर बदला जाता है तो मैं इसके खिलाफ लड़ूंगी, हमारे पूरे मतलब चले आ रहे हैं, जबकि हमें यहाँ से जितने गाजियाबाद नाम क्यों पड़ा, इसका क्या वजह इसकी रही? क्योंकि गयाजुद्दीन नाम था, क्योंकि जब ये बना है तो स्टेशन रेलवे सब उन्हीं ने बनवाया था, उनके बेटों ने उनके सब जमीन दी थी, अब भी हम लोगों का सारा वहाँ पे है, सारी जमीन है, सारी मार्केट सब वहीं पे है, तो वो उन्हीं ने जब गयाजुद्दीन से उन्हीं ने गाजियाबाद पड़ गया, बस लिखा पढ़ी में गाजियाबाद में आ गया, गयाजुद्दीन से कोई जैसे लिखने में मिस्टेक होती है तो गाजियाबाद हो गया।
यानी पहले गयाजुद्दीन ही नाम था, गयाजुद्दीन ही नाम था, लिखने में नहीं हो जाता कि उस सूरत से गाजियाबाद हो गया। देखिए मुझे तो इस बात को सोच के भी बड़ा ताज्जुब होता है कि जो भी सरकारें आएंगी वो नाम बदलती रहेंगी, कल को बीएसपी सरकार आएगी, सपा सरकार आएगी, वो अपने अपनी मर्जी से नाम बदलते रहेंगे। यानी हम अपने बच्चों को पहले गाजियाबाद समझाएंगे, मुजफ्फरनगर समझाएंगे, फिर आने वाली पीढ़ी को दूसरे नाम क्यों बदले जा रहे हैं, क्या वजह है, क्या गाजियाबाद में कोई दोष है? गाजियाबाद जिस भी नाम पे पहले से रहा है, आज गाजियाबाद की जो अपनी पहचान है वो देश विदेशों तक या कहीं तक भी है, वो गाजियाबाद की अपनी है। किसी भी जिले को ले लो, अयोध्या तो पहले से अयोध्या है, तो एक और फैजाबाद को आप बता रहे हैं कि अयोध्या बदल दिया गया, मैं भी रोज़ देखती हूँ, रोज़ाना पढ़ती हूँ, पर जब भी बात आती है आजकल, बल्कि मैं एक बात और कहूँ कि बच्चे जब आपस में फ़ोन करते हैं तो मजाक लेकर के बात करते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ चलन कर दिया कि पहले इसका नाम बदलो उसका नाम बदलो। नाम बदलने से होने वाला क्या है? देश में जो विकास की जरूरत है, जो बेरोजगारी की है, उसको आप ध्यान दो। जिलों के नाम चेंज करने पर आपका बड़ा फोकस है, क्यों? कोई भी सरकार आएगी वो अपने मन मर्जी से नाम बदलती रहेगी और हम लोग उन्हीं के पीछे लगते रहेंगे, तो इसका मैं तो विरोध करती हूँ और पूरे जोर विरोध करने के लिए कहती हूँ। और सभी को ये कहूँगी कि जो नाम है ठीक है, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, कोई किसी तरह का विवाद है किसी बात को लेकर के, तो सोचा जा सकता है। मुजफ्फरनगर है, गाजियाबाद है, ये जिले अपने आप में बहुत ही अच्छे नाम से हैं और लेने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, तो फिर बदलने की मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी आवश्यकता है।